तहज्जुद की 8 रकात हैं, लेकिन आप चाहें तो दो दो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हुजूर ने 4-4 करके पढ़ी हैं। कान यसल्ली अरबअन अरबअन फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न। बीवी आयशा फरमाती हुजूर 4-4 रकात पढ़ते थे। नमाज जनाजा ऐसा पढ़नी चाहिए। बरेलवी हजरात जो खाना सामने रख के ख़त्म दिलाते हैं, ये बिदअत है, और खाना अच्छा हो तो ख़त्म देते हैं, सूखी सूखी रोटी पे कभी ख़त्म नहीं देते। आप तजर्बा कर लें, कभी उनके आगे खट्टी लस्सी रखें और खट्टी दाल और बाजरे की रोटी का ख़त्म पढ़ो, मजा आले जो पढ़े गालियाँ दे के उठ जाएगा। सिरी नमाज हुई अजहारी हनफी इमाम के पीछे फातिहा न पढ़े। इस्तखारा करने का तरीका यह है कि 2 रकात सुन्नत पढ़ के उसी नीयत से फिर वो दुआए इस्तखारा मांगे, अल्लाह मिन्नी अस्तखीरु कभी इल्म का अस्तकदर कभी कुदरतिक। मुझे हज करना है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नानी के पास छोड़ सकती हूँ? छोड़ सकती हैं। मैं दुबई से आया हूँ, लोग गुस्से में तलाक 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 कह दिया, बहरहाल वो 3 तलाकें हो गई। तलाक गुस्से में दी जाती है, मोहब्बत में कोई भी नहीं देता। बहरहाल इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो तौहीद के भी इमाम थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तवाफुल विदा कर लिया था, वापस चले गए जिद्दा, फ्लाइट कैंसिल हो गई, मक्का आ गए। भाई उम्र पर तवाफुल विदा नहीं होता, आपस आ गए अच्छी बात है, और तवाफ करो। नफली तवाफ हो उसमें भी औरत कपड़ा आगे लटका के रखे। घर दम का गोश्त अपने घर वाले भी नहीं खा सकते, मक्के के फकीरों पर तकसीम किया जाए। घोड़ी का दूध जो है इलाज के लिए पी सकते हैं।